अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिंगर बर्गर की रेसिपी घर में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, 2 कप दूध में 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन के स्लाइस ऐड करके इसको 2 आवर्स के लिए हमने रेस्ट करने के लिए रखना है। चिकन के पीसेस बड़े बड़े लेने हैं ताकि वो हमारे बर्गर में एडजस्ट हो जाएं। स्टेप नंबर 2, 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून पेपरिका, 1 टेबल स्पून ओरिगानो, 1 टेबल स्पून बेजिल और 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। 2 कप पानी मैदा विद स्पाइसेस जो हमने अभी ऐड किए हैं और यहाँ पर जो दूध में हमने चिकन डिप की थी 2 आवर्स के बाद, अब हम इसकी 3rd स्टेप में हम इसकी कोटिंग करेंगे। चिकन को दूध में से निकाल कर इसे मैदे में कोट करना है, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। जब इसकी कोटिंग हो जाए तो मैदे को झाड़ कर पानी में डालना है और 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करके इसे निकाल लीजिए और अगेन मैदे में डालकर इसको कोट करना है। सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है। देखिए, यहाँ मैदे में ये कोट हो गया, पानी में डिप करेंगे, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इसे पानी से निकाल कर अगेन हमने इसे मैदे में कोटेड करना है। ये स्टेप सिर्फ 2 दफा हमने करना है। चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब तेल लेकर उसको डीप फ्राई करना है बोथ साइड से कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आइए अब जिंगर बर्गर बनाते हैं। सबसे पहले आप बन ले लीजिए, एक साइड पे आप केचप लगा दीजिए, दूसरी साइड पे आप मायोनीज लगा दीजिए। यहाँ कोल्सलो स्प्रेड करूंगी जिसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज, 2 टेबल स्पून गाजर और 2 टेबल स्पून मैंने बंद गोभी डालकर मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप टोमेटो स्लाइस रख लीजिए, लेटिस रख लीजिए, फ्रेश लेटिस ले लीजिए और फिर जिंगर, चिकन जिंगर रखने के बाद इस पे चेडर स्लाइस रख दीजिए और खीरा रख दीजिए और ऊपर से बंद को कवर कर दीजिए। तो लीजिए वल्ला, घर में ही जिंगर बर्गर रेडी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एंड बिलीव मी, ये बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त बना था और फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर में होममेड बनाइए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो एंड मोर अपडेट्स। फॉलो द इंस्टाग्राम। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।